कनेक्टेड टू इंडिया और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। तो आइए रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। काशीपुर SDM ने कुंडेश्वरी क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन को लेकर छापेमारी की, जहां पुलिस ने छापेमारी के दौरान अवैध खनन में लिप्त वाहनों को जब्त करते हुए खेत की नपाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि कुंडेश्वरी क्षेत्र में अवैध खनन की लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर पिकेट भी लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी खनन रुकने का नाम नहीं रह रखा था। अवैध खनन की सूचना मिलते ही काशीपुर SDM गौरव कुमार ने राजस्व विभाग की टीम के साथ मिलकर अजीतपुर क्षेत्र में छापेमारी की, जहां SDM ने अवैध खनन करते हुए एक डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अन्य वाहनों को जब्त किया है, जिसके चलते SDM ने राजस्व विभाग की टीम को खेतों की नपाई करने के निर्देश दिए हैं। SDM गौरव कुमार ने कहा कि पैमाइश के बाद खेत स्वामियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि खनन 15 जून से बंद कर दिया गया है, लेकिन खनन माफिया खनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। काशीपुर उत्तराखंड से News 22 इंडिया के लिए FU खान की रिपोर्ट। कार्रवाई की गई अवैध खनन को लेकर के, और क्या कितने वाहन को सीज किया गया और कितने वाहन पकड़े हैं? यह तबोरा अजीतपुर क्षेत्र में आज खनन पर छापा मारा गया और अवैध खनन करते हुए एक डंपर और कुछ ट्रॉलियों को जब्त किया गया है। इसके अलावा अवैध खनन के क्षेत्रों में नपाई की कार्रवाई भी की जा रही है। सर, जिस तरीके से जो है अवैध खनन पर जो है पूरी तरीके से लोग जो है बाज नहीं आ रहे हैं, अवैध खनन करते नजर आ रहे हैं, क्या है इसके लिए? हमने कई चौकियां स्थापित की हैं। कुंडेश्वरी क्षेत्र में 3 चौकियां स्थापित की हैं, जहां पर 24 घंटे सर्विलांस की जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारे सचल दस्ते भी हैं, तहसीलदार साहब भी हैं, जो बीच बीच में इस क्षेत्र में अचानक से छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं, और जहाँ पर अवैध खनन पाया जा रहा है वहाँ पर नपाई की कार्रवाई भी करवा रहे हैं। खनन कब से बंद हो गया है सर प्रतिबंध? मुझको प्राप्त सूचना के अनुसार 15 जून तक प्राइवेट तक खनन था और वन निगम से 30 जून तक था। तो अब किस तरीके की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और किस तरीके के निर्देश दिए जा रहे हैं? इन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। नपाई के बाद अवैध खनन पाया जाता है तो उन पर खेत मालिकों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 22 इंडिया। खबर भी, असर भी, और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।